आज हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लाइट होता क्या है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट विच इट कम्स। तो लाइट एक तरह की एनर्जी का फॉर्म है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखाता है, ठीक है। जिस भी ऑब्जेक्ट से लाइट आती है उस ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं, और जिस ऑब्जेक्ट से लाइट नहीं रिफ्लेक्ट करती उस ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख सकते। इसलिए आप सबने ने देखा होगा अंधेरे रूम में अगर हम जब जाते हैं तो कुछ भी हमें दिखता नहीं है, बट अगर वहीं पे लाइट अगर ऑन कर दिया जाए तो हम सब कुछ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देख सकते हैं। तो ये बेसिकली लाइट के बारे में बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी, तो लेकिन लास्ट में फुल एंड फाइनल जो थ्योरी थी वो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट थी। लाइट बेसिकली एक तरह का रेडिएशन है, जिसमें डी ब्रोगली ने बोला इसके ड्यूल नेचर्स होते हैं, एक पार्टिकल नेचर दूसरा वेव नेचर। उन्होंने बोला था जब लाइट ट्रैवल करती है तो उसका जो नेचर होता है वो होता है वेव नेचर, एंड जब वो किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है तो तब जो नेचर होता है उसे हम पार्टिकल नेचर बोलते हैं। इस नेचर ये जो ड्यूल नेचर टॉपिक है इससे हम ट्वेल्थ में अच्छे से कवर करेंगे, इसको अलग ही मैं लेक्चर बनाऊंगा। आज मैं सिर्फ आपको लाइट के बिहाफ लाइट ही बताना चाहता हूँ बेसिकली। तो लाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड आता है रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट क्या होता है, वो लाइट पाथ लाइट का जो एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़े उसे हम क्या बोलते हैं, लाइट रे। जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ से लाइट यहाँ जा रहा है, तो मैंने एक रे जोड़ दिया तो इस रे को हम क्या बोलेंगे, लाइट रे। अब ये रे जब बहुत ही सारे बंडल्स में आए, यानी तो बहुत सारी रेस आए, तो कभी भी ऑब्जेक्ट से एक लाइट नहीं एक रे नहीं आती, बहुत सारे बंचेस में आते हैं, तो इन लाइट को हम बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो लाइट में बेसिकली तीन तरह का प्रोसेस होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड अब्सॉर्प्शन। जब कोई भी लाइट किसी एक सरफेस पे आती है, ठीक है, तो इस जो लाइट आती है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये कुछ इस रे का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये है क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, एंड कुछ क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब। तो जितनी भी लाइट इंसिडेंट हुई है, अगर हम रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे और जितनी लाइट रे एब्जॉर्ब हुए इन तीनों को मिला दे तो सारी लाइट क्या हो जाती है, 100%। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी करेंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो मैं आपको रिफ्लेक्शन के बारे में बता रहा हूँ। तो आज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में सबसे पहले आपको एक डायग्राम बना रहा हूँ, इसमें मैं रिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा, मैं ज़ूम कर रहा हूँ। ये जो सरफेस है वो क्या कर रहा है, मोस्ट ऑफ द लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट। जो रिफ्रैक्ट हो रही है लाइट वो बहुत ही कम है, तो इसमें मैंने सिर्फ रिफ्लेक्शन ही दिखाया है। तो रिफ्लेक्शन में ये सरफेस का नॉर्मल होता है, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। एंड नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे का एंगल होता है, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल से जो एंगल ऑफ एंगल जो बनता है रिफ्लेक्टेड रे का, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है, एंड फर्स्ट लॉ यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल। दूसरा लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, एक ही पॉइंट से अराइज होते हैं, ठीक है। अब हम आगे स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन लिख दिए हैं। फर्स्ट लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों क्या करते हैं, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम बात करेंगे, हमने देखा ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये किसी इंटरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है,
तो यहाँ पे जो इंटरफेस है हम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं मिरर के, रिफ्लेक्शन बाय मिरर, रिफ्लेक्शन बाय मिरर। तो हमारे पास दो तरह के मिरर होती है, एक प्लेन मिरर, दूसरा होती है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर वो मिरर होती है जो बिल्कुल क्या हो, प्लेन है, जैसे कि ये, और इसका एक सरफेस क्या हो, हाईली पॉलिश्ड हो, जो पॉलिश सरफेस है ये सरफेस क्या होगा, पॉलिश्ड होगा। तो पॉलिश सरफेस ही क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है। तो पॉलिश, अगर पॉलिश सरफेस बिल्कुल स्ट्रेट है, प्लेन है, तो उसको हम प्लेन मिरर बोलते हैं। अब मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, अगर कोई प्लेन मिरर है उससे जो इमेज फॉर्म होगी तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे उसके बारे में बता रहा हूँ। तो फर्स्ट क्या है, इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट एंड वर्चुअल। इमेज क्या होगा, हमेशा सीधा ही रहेगा। अगर मैं किसी मिरर में इस मार्कर को देखता हूँ तो ये बिल्कुल सीधा ही दिखेगा। एंड ये क्या होगा, वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब वो इमेज, वर्चुअल इमेज का मतलब होता है वो इमेज जिसे आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते, ठीक है, स्क्रीन पे नहीं बना सकते, उस इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। जो रियल इमेजेस होते हैं उनको हम स्क्रीन पे ड्रॉ कर सकते हैं, बट वर्चुअल इमेजेस को स्क्रीन पे नहीं हो लाई जा सकती, ठीक है। एंड जो इसकी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। साइज जो भी ऑब्जेक्ट का होगा वही क्या होगा, साइज इमेज का भी होगा। थर्ड हम पढ़ते हैं, इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। इमेज उतना ही दूर दिखेगा जितना मिरर से ऑब्जेक्ट दूर है। सपोज कर लो, अगर मिरर से ऑब्जेक्ट 10 मीटर दूर है तो इसकी जो इमेज होगी हमें ऐसा लगेगा मिरर के 10 मीटर अंदर है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड, मीन्स राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड इन इमेज एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी राइट साइड इन इमेज। इसका मतलब है कि जो भी इमेज होगा वो इन्वर्टेड होगी। इसका मतलब अगर राइट साइड वाली चीज हमें लेफ्ट साइड दिखेगी और लेफ्ट साइड वाली चीज राइट साइड दिखेगी, ठीक है। अब मैं प्लेन मिरर के बाद स्फेरिकल मिरर स्टार्ट, अब मैं स्फेरिकल मिरर के बारे में बता रहा हूँ। उसमें सबसे दो तरह के मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर वो मिरर होता है जो क्या होता है, आउटर, आउटर पार्ट क्या होता है, जो बल्ज पार्ट है वो होता है सिल्वर कलर का, एंड जो कॉन्वेक्स है उसका इनर पार्ट जो होता है वो सिल्वर कलर का होता है, ठीक है। तो इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा तो उसकी इमेज कैसी बनेगी। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो जो इमेज बनती है उनके कैरेक्टरिस्टिक हमेशा यही रहेगा। बट कॉनकेव और कॉन्वेक्स में जैसे जैसे ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस दूर होगा या पास आएगा तो उसके इमेज पे फर्क पड़ता है, साइज छोटा भी हो सकता है, साइज बड़ा भी हो सकता है। तो मैं फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बताने जा रहा हूँ। अब मैं कॉनकेव, जिसको हिंदी में हम अवतल बोलते हैं, एंड कॉन्वेक्स, जिसको हिंदी में उत्तल लेंस भी बोलते हैं, मिरर सॉरी दर्पण, तो उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक स्फीयर का पार्ट है, और अगर इसको ऐसे मैं ड्रॉ करूं तो ये स्फीयर कंप्लीट होगा। अगर कोई भी स्फीयर होता है तो उसका एक पर्टिकुलर कोई सेंटर होगा, तो मैं सपोज करता हूं ये सेंटर क्या होगा, यहाँ होगा, एंड एक क्या होगा सेंटर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पोल। वो एक्सिस, ठीक है, या हम बोल सकते हैं वो परपेंडिकुलर लाइन जो सेंटर और पोल से पास हो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एंड सेंटर क्या होता है, सेंटर से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है उसको हम डिनोट करते हैं आर से। बेसिकली ये क्या है, रेडियस है, एंड रेडियस का जो हाफ होता है उसको हम बोलते हैं फोकस। ये फोकस है, और ये जो लेंथ होता है इस लेंथ को बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये एफ है, तो आर क्या होता है हमेशा टू एफ के इक्वल होता है। फोकल लेंथ के क्या होगा, हमेशा ट्वाइस होगा। अब हम उसी तरह कॉन्वेक्स में भी देखते हैं। अगर हम कॉन्वेक्स में देखेंगे तो हमारा क्या होगा, ये सर्कल स्फीयर कहाँ कंप्लीट होगा, इस साइड कंप्लीट होगा, तो इसका सेंटर कहाँ लाई होगा, इस तरफ लाई होगा। तो मैं अज्यूम करता हूँ इसका सेंटर यहाँ लाई करता है, तो ये क्या है, इसका पोल।
पोल और सेंटर से पास होने वाले एक्सिस को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये पोल और सेंटर तक के बीच के डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? आर से, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। इसका जो हाफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस, ठीक है। और उसका जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं फोकल है। इसमें भी आर हमेशा 2f के इक्वल होता है, ठीक है। अब मैं आपको इसके साइन कन्वेंशन के बारे में भी बता रहा हूँ। साइन कन्वेंशन, अगर पोल के राइट हैंड साइड पे है, अगर पोल के राइट साइड पे देखेंगे तो हमें जो डिस्टेंस लेना होता है वो पॉजिटिव लेना होता है। इस साइड हमेशा डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव। एंड पोल के जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा उसका डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव। इधर कोई भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो नेगेटिव होगा। एंड पोल से ऊपर की तरफ जो भी हम हाइट कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा? पॉजिटिव। पोल से जो भी नीचे की तरफ की हाइट होगी उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें भी देख सकते हैं, इधर के जितने भी डिस्टेंस काउंट होंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव। इधर के जितने भी डिस्टेंस काउंट होंगे वो क्या होंगे? नेगेटिव। हाइट जितना ऊपर होगा, इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जितना भी हाइट हम मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जो मेजर करेंगे वो क्या होगा? हमेशा नेगेटिव होगा। अब हम इसमें देख सकते हैं कि क्योंकि पोल के कॉनकेव, जिसे हम अवतल भी बोलते हैं, मिरर, तो ये इसका जो फोकस है वो हमेशा क्या है? पोल के इस तरफ लाई कर रहा है, तो इसका फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहता है। इसका फोकल लेंथ क्या रहता है? हमेशा नेगेटिव। और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। तो कभी भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अभी मैं आपको कुछ देर बाद मिरर फॉर्मूला डिराइव कराऊंगा, तो वो मिरर फॉर्मूला में हम देखेंगे कि जो भी कॉन्केव आएगा तो उसका जो फोकल लेंथ लिया जाएगा हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा, और जो कॉन्वेक्स मिरर जब भी आएगा उसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, क्योंकि ये पोल के क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव साइड में लाई करता है इसका फोकस, और उसका पोल के नेगेटिव साइड में लाई करता है। तो ये नहीं मतलब कुछ इंपॉर्टेंस टर्म्स, जैसे पोल हो गया, सेंटर हो गया, रेडियस क्या होता है, एंड हमारे साइन कन्वेंशन। अब इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इमेज।